जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स, राइट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। व्हाट आर दोज टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन, then inheritance of the two genes, then we will study sex determination, then the mutation, and then the genetic disorders. So in this chapter we are going to cover all these topics, right? So first of all we should know what is genetics, right? Genetics kya hai, right? So genetics is study of genes, right? So genes, what are genes? Functional unit of inheritance, right? Functional unit of inheritance are called as the genes, right? So again, if we have to define genetics, it is divided in two parts. One is your heredity and other is the variation, right? Pehla kya hai isme heredity aur dusra kya hai isme variation. So what is genetics? It is the branch of science that deals with the study of heredity and variation. That is known as the genetics, right? So heredity means, what is heredity? Heredity means that is the transfer of the characters from parents to the offspring, right? So aise character jo parents se kahan par ja rahe hain, wo offspring mein ja rahe hain. And what is variation? So variation means difference in the organisms, right? For example, jaise किसी की फैमिली है ना, किसी की फैमिली है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो कई बार आपके जो रिलेटिव्स होंगे, है ना, रिलेटिव्स होंगे, वो कहेंगे अच्छा आपकी शक्ल तो इस पर गई है ना, आपकी शक्ल तो मम्मी के ऊपर गई है. अच्छा, फिर दूसरे वो रिलेटिव्स कहेंगे नहीं नहीं आपकी शक्ल तो आपके फादर के ऊपर गई है ना. तो क्या है ऐसा? ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रही है, वो ट्रांसफ़र हो रही है, राइट. सो इट इज़ नॉट द न्यू वन, जो जेनेटिक्स की ब्रांच है वो नई नहीं, ये काफ़ी पुरानी ब्रांच है, राइट. सो इट वॉज नियरली अबाउट 1000 years ago, मतलब बहुत कई हजार, मतलब कई कई सौ सालों पहले जेनेटिक्स के बारे में बात होती थी, है ना, जेनेटिक्स के बारे में बात होती थी. जैसे रोमन एम्परर, राइट, रोमन एम्परर में क्या था कि भाई जो रोमन एम्परर थे वहाँ पर क्या होते थे, मैरिजेस वगैरह होती थी. रोमन एम्परर जो वहाँ के जो मैरिजेस वगैरह थी वहाँ पर क्लोजली रिलेटेड मैरिजेस देखने को मिलती थी. मतलब क्या हुआ कि सिस्टर की ब्रदर के साथ शादी हो जाती थी. उनका ये मानना था कि अगर मैरिजेस वो बाहर करेंगे तो उसमें क्या होगा, ब्लड उनका ख़राब हो जाएगा. ये रोमन एम्परर की बात बता रहा हूँ, जब रोमन का टाइम था उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है. लेकिन क्या हुआ बाद में, धीरे धीरे करके पता चला कि भाई उससे जो क्लोजली रिलेटेड जो उनकी मैरिजेस वगैरह हो रही हैं उनसे डिजीज़ हो रही हैं. हालांकि जो उनके जो प्रीस्ट वगैरह जो थे, ठीक है, जो प्रीस्ट वगैरह थे वो ये कहते थे कि भाई ये कुछ जो है कि भाई कुछ देवता वगैरह है उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो उसका कारण नहीं जान पाए, है ना. लेकिन अगर हम आज की डेट में उसकी बात करें तो आप कहोगे सर इट इज़ रिलेटेड टू द जेनेटिक्स, है ना, तो इट इज़ रिलेटेड टू द जेनेटिक्स, क्लियर. तो इट इज़ नॉट द न्यू वन, ये नई चीज़ नहीं है, है ना, ये नई चीज़ नहीं है. सो हेयर इन दिस जेनेटिक्स वी आर गोइंग टू कवर सो मैनी थिंग्स, राइट. वी आर गोइंग टू कवर क्या कहानी रही होगी, ठीक है, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज हैं, राइट. तो मेंडल का नाम तो है ये इस चैप्टर में, लेकिन मेंडल के अलावा और भी बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें जाननी है, राइट. सो एक यहाँ पर जो NCERT में लिखा है, ठीक है, पहले उसे देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा क्या क्या इसमें मेंशन है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट, राइट, एंड नॉट सम अदर एनिमल. तो जो एलिफेंट का वो होगा, ठीक है, जो एलिफेंट होगा तो किसको बर्थ देगा, वो बेबी एलिफेंट को देगा, किसी और एनिमल को नहीं देगा, है ना. फिर वाई ए मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली ए मैंगो प्लांट, जो मैंगो का सीड होगा वो मैंगो के प्लांट को ही बनाएगा और किसी प्लांट को नहीं बनाएगा, राइट. सो गिवन दैट दे आर द ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स,
राइट. सो क्या लिखा है यहाँ पर, और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा, और या फिर क्या उसमें कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक्स सिमिलर टू ईच अदर, जो सिबलिंग्स होंगे वो सिमिलर होंगे, है ना, एक दूसरे से सिमिलर हो. जो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस की बात करते हैं हम, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, हालांकि जो डाइजाइगोटिक है वो डिफरेंट होते हैं, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, राइट. तो इन सब के जितने भी जो आंसर्स हैं वो कहाँ छिपे हुए हैं, वाट एवर बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन दे हाइड इन द जेनेटिक्स, राइट. वो जेनेटिक्स के अंदर भी छिपे हुए हैं. दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन आर डील्ड विद साइंटिफिकली इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स. मतलब जो ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो इन्होंने पूछे गए यहाँ पर, जो इनके सारे मतलब जो भी है, किस तरीके से जो जीन्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं, उन सबके आंसर हमें कहाँ मिलेंगे, जेनेटिक्स में मिलेंगे, राइट. दिस सब्जेक्ट्स डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. इस सब्जेक्ट में हमें क्या मिल रहा है, किसको डील कर रहा हो, इनहेरिटेंस को. मोर अप्रोप्रिएटली द हेरिडिटी वर्ड इज मोर सुटेबल हेयर, राइट. जो हेरिडिटी वर्ड है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाई विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. तो इनहेरिटेंस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, ठीक है, द कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, तो ये इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस. सो यही बेसिस किसका है, हेरिडिटी का. वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो वेरिएशन का एक ऐसी डिग्री है, ठीक है, एक ऐसा पार्ट है डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. वेरिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर इवोल्यूशन, राइट. तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स की कनेक्टिविटी इवोल्यूशन से भी है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, राइट. इवोल्यूशन भी हम लोग इसी मतलब इसी यूनिट के जो जिसका चैप्टर अगला चैप्टर है, अगले से अगला चैप्टर, उसमें हम लोग देखेंगे क्या इवोल्यूशन के बारे में बता रखा है, राइट. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस. तो फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एन अर्ली 8000 से 10,000 BC डेट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन फॉर हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो कारण है, ठीक है, वो कहाँ छिपा हुआ है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा हुआ है, राइट. दे एक्सप्लॉयटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर एनिमल्स दैट प्रोसेस्ड डिजायरेबल कैरेक्टर्स, राइट. तो फिर हम अपने नोट्स पर आ जाते हैं. तो जो जेनेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को हमें फाइंड आउट करना है, राइट. देर आर सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड आउट इन अवर जेनेटिक्स, क्या क्या उसमें बता रखा है. तो जो हम पढ़ते हैं, हालांकि आप लोगों को पता है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट. फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं हम लोग, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं. तो ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले भी कोई पर्सन रहे होंगे, राइट, जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर वर्क किया होगा. यस, देयर आर सम अदर पर्सन्स, राइट. उसमें से एक पर्सन थे कॉल रूटर, ठीक है, कॉल रूटर इनका नाम है, मेंडल से पहले की बात करें, ठीक है, मेंडल से पहले एक पर्सन थे कॉल रूटर, राइट. ही वर्क बिफोर द मेंडल, राइट, ही वर्क बिफोर द मेंडल, बट ही फेल्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट. लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में क्या हो गए, वो फेल हो गए, राइट. सो व्हाई ही फेल्ड इन एक्सपेरिमेंट, क्यों अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए. ही चूज टबैको प्लांट, उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या लिया, टबैको प्लांट को लिया. सो व्हाट टबैको प्लांट में मतलब ऐसा क्या था जो रिजल्ट नहीं मिला. चूज ब्लेंडिंग करेक्टर्स, ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सिंग हो गया था करेक्टर्स का, दैट्स वाई ही इज फेल्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, राइट. तो ये हमने देखा कि भाई जो मेंडल से पहले थे, ठीक है, मेंडल से पहले जो पर्सन थे वो कौन से थे, यहाँ पर कॉल रूटर, ठीक है, कॉल रूटर थे, है ना, कॉल रूटर पर्सन थे. फिर अब जो मेंडल है, ठीक है, जो मेंडल जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेंडल की क्या वो रही होगी, ठीक है, मेंडल की क्या पूरी जो उसकी
जो मतलब कहाँ पर वो बॉर्न हुए होंगे, ठीक है, क्या उसकी कहानी रही होगी, ये हमें पहले जानना है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट, ही वॉज बॉर्न इन ए सिल्सियन विलेज इन द ईयर 1822, 1822 में कहाँ पर जन्म हुआ था इनका, ठीक है, सिल्सियन विलेज, ठीक है, सिल्सियन विलेज में इनका जन्म हुआ था। और ही वॉज ए चर्च, ठीक है, चर्च, सॉरी, ही वॉज ए मॉन्क वर्किंग इन ए चर्च, राइट। तो वो एक मॉन्क थे और वो कहाँ पर वर्क करते थे, एक चर्च में वर्क करते थे, राइट। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, राइट, ही वॉज बॉर्न इन ए सिल्सियन विलेज इन 1822, ही वर्क इन ए चर्च, राइट। तो एक मॉन्क का काम दिया था, और मोस्ट जो उनका वो था वर्क किस पर था, वो ही वॉज ए स्टेटिकल एनालिसिस, राइट, वो स्टेटिकल एनालिसिस करते थे, राइट। तो स्टैटिक्स के बारे में उन्होंने, मतलब जो डेटा वगैरह था उसका स्टैटिकल एनालिसिस करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो काम करते थे, राइट। तो ही कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, राइट। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उसने जो एक्सपेरिमेंट जो करा था, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स। तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या सेलेक्ट करा, ही सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स, 1856 टू 1863, राइट। लगातार 7 साल तक उन्होंने वर्क किया, राइट। सो 1851 में वो वियना गए, वहाँ पर उन्होंने मैथमेटिक्स की स्टडी करी, राइट। 1851 में वो वियना गए, उन्होंने मैथमेटिक्स की स्टडी करी। 1856 से, फ्रॉम 1856 टू 1863, 1856 टू 1863, 7 ईयर्स ही वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम, डेट इज गार्डन पी, राइट। सो ही सेलेक्टेड 14 वेराइटीज़, कितनी वेराइटी सेलेक्टेड करी, 14 वेराइटीज़ को उसने सेलेक्ट किया, राइट, 14 वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया, क्लियर। फिर उसके बाद में तो गार्डन पी है, ठीक है, गार्डन पी जो है बाइसेक्सुअल है, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं इसमें, वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे किसके अंदर, गार्डन पी के अंदर, राइट। पी साइन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी, इज पाइसम सेटाइवम, ये आपको याद रखने हैं सारे नेम्स, ठीक है, पाइसम सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी, राइट। सो ही क्या, कितनी वैरायटी सेलेक्ट करी थी अपने एक्सपेरिमेंट, उसने मेंडल ने 14 वैरायटीज, ही सेलेक्टेड 14 वैरायटीज। 1866 में पेपर उनका पब्लिश हुआ था, राइट, 1866 में उनका पेपर, इसमें नहीं लिखा हुआ कभी नोट्स में, इसमें देख रहे हो, ठीक है। तो 1866 में इनका पेपर पब्लिश हुआ था, राइट। फिर एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ही चूज गार्डन पी, राइट। सो व्हाई ही चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट। सो व्हाई ही चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इट हैज ए वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो उसमें वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, राइट। एनुअल जो पी प्लांट है वो, ये जो बता रखा है इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, राइट, जो पी प्लांट होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होगा, बाइसेक्सुअल मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा रखा है मैंने आपको बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल प्रेजेंट होगा, राइट। सेल्फ फर्टिलाइजिंग की जिसमें एबिलिटी होती है, ईजिली हाइब्रिडाइज हो जाता है ना, ईजी टू कल्टिवेट, राइट। तो इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसके स्टडी के लिए पी प्लांट को लिया, पी प्लांट को लिया, उसने हर बार एक करेक्टर की स्टडी, ही कंसिडर्ड वन करेक्टर एट ए टाइम, ठीक है, एक करेक्टर को एक बार लेके उसने स्टडी को किया, किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, राइट, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये किया, राइट। फिर इसके बाद में जो मेंडल थे, ठीक है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनके जो वर्क है, ठीक है, जो उनका वर्क है, ठीक, जो उनके जो वर्क है, जो उनके रीडिस्कवरर है, ठीक है, जो रीडिस्कवरर हैं किसके, ग्रेगर जॉन मेंडल के, राइट, ग्रेगर जॉन मेंडल के जो रीडिस्कवरर हैं वो 3 पर्सन्स हैं, ठीक है, 3 पर्सन्स हैं वो, कॉरेंस, कॉरेंस, ह्यूगो डी वेरीज एंड शेरमार्क, राइट। तो दे रीडिस्कवर द मेंडल वर्क, राइट। तो उन्होंने क्या करा, रीडिस्कवर किया, कौन सी ईयर में, 1900 में, ठीक है, 1900 में मेंडल के वर्क को क्या करा उन्होंने, 1900 में क्या करा, रीडिस्कवर, क्योंकि जो मेंडल थे वो 1884 में मर चुके थे,
1884 में वो मर चुके थे और उनके वर्क को रीडिस्कवर किया 3 पर्सन ने। ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से थे वो, कॉरेंस, ह्यूगो डी वेरीज एंड द शेरमार्क, राइट। सो जो मेंडल का वर्क था, राइट, जो मेंडल वर्क वॉज सप्रेस बाय द डार्विन। तो जो मेंडल का वर्क था वो किस वजह से सप्रेस हुआ, राइट, जो मेंडल का वर्क था वो किस वजह से सप्रेस हुआ, चार्ल्स डार्विन की वजह से, राइट। चार्ल्स डार्विन बहुत ही फेमस थे उस टाइम पर, चार्ल्स डार्विन का इतना नाम था कि मेंडल के वर्क को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, ठीक है। कोई नहीं जानता था कि मेंडल भी है जिन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है ना, नोबडी नोज, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम डार्विन वॉज वेरी वेरी मच पॉपुलर, राइट। तो डार्विन जो था इवोल्यूशन की स्टडी करे थे, राइट, डार्विन वॉज स्टडिंग अबाउट द इवोल्यूशन एंड इन द ईयर 1859 ही पब्लिश ए बुक ऑरिजन ऑफ स्पीसीज। तो उनकी पब्लिसिटी काफ़ी हो रही थी, इसीलिए मेंडल को अपने जो उनके लाइफ टाइम है उसमें कोई नहीं जान पाया था, राइट। तो ये हमने देखा कि जो मेंडल है, मेंडल की लाइफ किस तरीके से रही है, क्या क्या उन्होंने अपना वर्क को किया है ना, क्या किस क्या एक्सपेरिमेंट अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था उन्होंने, गार्डन पी, राइट, ही सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट फॉर सर्टेन रीजंस। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट, पाइसम सटाइवम, क्लियर, राइट। फिर अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखो। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट, ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम था ग्रेगर, पूरा नहीं लिखा हमने, ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट। ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स, लगातार 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे 1856 से 1863 तक, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को बताया, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग मेंडल्स लॉ के बारे में जानेंगे, राइट, मेंडल, व्हाट आर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, During Mendel investigations into inheritance patterns, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to the problems in biology. मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जो inheritance का जो pattern है उसको study करने के लिए statistical analysis और mathematical logic का use किया गया biology की problems को solve करने के लिए, right? His experiments had a large sampling size. तो जो एक्सपेरिमेंट्स था उसका सैम्पलिंग साइज बड़ा था, विच हैव ए ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड, राइट। तो जो उसके पास जो डेटा था काफ़ी ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी जाती है उसको। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसिस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स प्रूव दैट हिज रिजल्ट्स पॉइंटेड टू द जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रदर देन बींग अनसबस्टेंटेड आइडियाज, राइट। Mendel investigated characters in the garden pea that were manifested two opposite traits. तो जो Mendel ने जो थे, ठीक है, Mendel ने जो investigation करा, ठीक है, investigated करा किस में, garden pea के अंदर, Pisum sativum के अंदर, that were manifested, दो important traits थे, दो opposing traits थे उसके अंदर, ठीक है, दो opposing traits, जैसे मान लिया tall और dwarf plants, right, tall और dwarf plants, फिर yellow और green seeds, येलो और ग्रीन सीड्स भी इसमें देखने को मिलेंगे, है ना। दिस रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन लेटर बाई साइंटिस्ट अकाउंट्स फॉर ऑल डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्स इनहेरिट देम, राइट। तो ये जो इन्होंने बता रखा है यहाँ पर, जो अपोजिंग ट्रेड्स हैं इनकी स्टडी करी लगातार मेंडल ने 7 ईयर्स तक, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पाइसम सटाइवम फ्रॉम 1856 टू 1863 फॉर 7 ईयर्स, लाइक लगातार, और हर बार उसने नए करेक्टर की स्टडी करी, ठीक है, नए एक करेक्टर लिया, फिर दूसरा करेक्टर के दूसरी जनरेशन में दूसरे करेक्टर को लिया, तीसरी जनरेशन में फिर और कोई करेक्टर को उसने ले लिया, राइट। Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiments using several true breeding pea lines, right? तो क्या लिखा है यहाँ पर, उन्होंने artificial pollination, cross-pollination करवाया experiments का,
और यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्रीलें. ट्रू ब्रीडिंग से मतलब क्या है, अगर हम क्रॉस करवाएंगे वी आर गोइंग टू लर्न द क्रॉसेस, राइट. सो न्यूमेरिकल भी हमने इसमें सॉल्व करने जेनेटिक्स में, तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स के. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज द वन हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन, जिसमें लगातार सेल्फ पोलिनेशन हमें देखने को मिलेगा. शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, लगातार एक ही ट्रेट हमें देखने को मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ट्रू ब्रीडिंग लाइन. ठीक है, एक ही करेक्टर जो जनरेशन में चला जाता रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू ब्रीडिंग, राइट. दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू ब्रीडिंग. अभी जब एक्सपेरिमेंट, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा और इजीली, है ना. मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सपेक्ट फॉर वन करेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. सम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येल्लो और ग्रीन सीड्स, इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन सीड्स और येल्लो ग्रीन सीड्स और टॉर्फ और डॉर्फ प्लांट्स, राइट. तो देखिए इसमें ये जो है, इन्होंने जो बता रखा है फिगर 5.1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये हमें समझनी जरूरी है ना. तो यहाँ पर जो है, वेन वी आर स्टडिंग द जेनेटिक्स देर आर सम टर्मिनोलॉजीज वी हैव टू लर्न, राइट. तो कौन कौन सी है इसमें, पहली जो इसमें टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, डोमिनेंट ट्रेट, राइट, डोमिनेंट ट्रेट. और दूसरा यहाँ पर कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट. तो डोमिनेंट ट्रेट कौन सा, राइट, डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे हमने करेक्टर लिया सीड शेप, सीड शेप करेक्टर हुआ यहाँ पर राउंड और रिंकल्ड, राइट. सो डोमिनेंट ट्रेट विच कैन बी एक्सप्रेस, द ट्रेट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन इज नोन एज द डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, राइट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं. डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, हावी होना एक तरीके से, राइट. डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, हावी होना. तो होमोजाइगस जैसे मान लो ये हो गया सीड शेप राउंड है, ठीक है, राउंड मान लो कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर हो गया, राइट. जीन जोड़े में होता है, ठीक है, याद रखना जीन हमेशा जोड़े में होता है, जोड़े में से ही तो एक जाएगा, है ना. तो मैंने आपसे कहा एक इसमें मैंने मान लिया आपको राउंड के लिए लिखा, मैंने राउंड कैपिटल आर और ये ले लिया स्मॉल आर, ठीक. तो डोमिनेंट ट्रेट, द ट्रेट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी होमोजाइगस, ठीक है, ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई और ये हेटरोजाइगस कंडीशन, समझ में आया आपको बात. द ट्रेट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन दी हेटरोजाइगस कंडीशन इज नोन एज द डोमिनेंट ट्रेट, राइट. नाउ द सेकेंड इज योर रिसेसिव ट्रेट, द ट्रेट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन द रिसेसिव कंडीशन, राइट. जैसे इसके मान लिया हमने स्मॉल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर मान लिया, ठीक है, मान लें हम, ठीक है. तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ठीक है, जो अपने आपको होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सके, डैट इज द रिसेसिव ट्रेट. तो सीड शेप हो गया, सीड शेप हो गया यहाँ पर राउंड और रिंकल्ड. आई होप द टू टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर. अभी हम पढ़ते चले जाएंगे, है ना, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है. जैसे जीन हमने पढ़ा था, अभी जीन क्या था, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस था, राइट. अब उसके बाद में कौन सा हमने पढ़ा, डोमिनेंट ट्रेट क्या है, है ना. फिर कौन सा पढ़ा हमने, रिसेसिव ट्रेट क्या है, ठीक है. अभी हमने तीन टर्मिनोलॉजी समझी, उसके बाद हम और नई टर्मिनोलॉजीज में हम जानेंगे. सीड शेप, सॉरी सीड कलर, ठीक है, सीड कलर ये हो गया येलो ग्रीन, ठीक है, येलो और ग्रीन हो गया, है ना, येलो और ग्रीन. फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर कलर में क्या हो गया, वायलेट और वाइट हो गया, ठीक है, फ्लावर कलर में क्या होगा, वायलेट और वाइट हो गया, है ना. फिर पॉड शेप, पॉड शेप फूल, ठीक है, फूल है यहाँ पर बिल्कुल, है ना, पॉड शेप जो फली की शेप है वो फूल है, और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड आप देख रखे हो, है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक. तो ये पॉड शेप हो गई, ठीक है, फली की शेप हो गई, फूल है और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई, है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन आप देख रहे हैं. पॉड कलर, ठीक है, पॉड कलर कैसा हुआ, ग्रीन, राइट. तो पॉड कलर इज ग्रीन और येल्लो, इम्पॉर्टेंट है ना. फ्लावर पोजिशन एक्जियल, ठीक है, एक्जियल, ठीक. और ये देखो आप टर्मिनल, ये टर्मिनल पोजिशन पर है, क्लियर. तो ये तो एक्सियल पोजीशन पे और ये टर्मिनल पोजीशन पर है फ्लावर पोजीशन. फिर स्टेम हाइट, राइट, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो मेनली, ये वाला उसमें दिखा देते हैं. स्टेम हाइट टॉल, बड़े वाले, ठीक है, बड़े वाले और ये छोटे वाले, राइट.
क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई दीज आर द सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन दी पी प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल। ये 7 ट्रेट्स जो कि मेंडल ने स्टडी करे राइट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने यूज करे। तो इसमें एक और टेबल है जो हम दिखा देते हैं आपको, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेट्स बाय द मेंडल इन पी करेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग स्टेम हाइट टॉल डॉर्फ राइट टॉल छोटे भी और बड़े भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फ्लावर कलर वॉयलेट और वाइट फ्लावर पोजिशन एक्सेल और टर्मिनल पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड कलर ग्रीन और येलो पॉड शेप राउंड और रिंकल्ड ठीक है सीड कलर येलो और ग्रीन राइट सो दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडीड बाई द मेंडल इन पी राइट सो क्लियर चलिए।